मित्रों आज मैं एक विशेष जानकारी के लिए आया हूँ। ये देख लें सहदेवी, बरसात के बाद में ये सड़कों के दोनों तरफ अपने आप हो जाती है। इसके फूल इस तरह से गुलाबी होते हैं, ये देखें। ये सड़क के किनारे से मैं आपको दिखा रहा हूँ और थोड़े दिन के बाद में ये फिर सफेद हो जाते हैं। तो ये अभी देख लें, ये पत्ते इसके इस तरह से होते हैं। और सहदेवी दो तरह की होती है, एक पीले फूल वाली भी होती है। मैंने उसे अभी उगाया है और उसको मैं थोड़े दिन बाद दिखाऊंगा। तो इसके आज मैं पहचान पहले देख लें, ये है इस तरह से आता है और जब फूल पक जाता है तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से उड़ते हैं। देखो ये उड़ते हैं, ये देखें ये सूख गए हैं और ये उड़ जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तांत्रिक प्रयोग। मित्रों अगर किसी को बुखार हो जाता है तो इसकी एक इंच की डंठल को, ये जो डंठल है इसका एक इंच का तोड़ लो, बीच में से काटो और कलाई पर बांधने से डॉक्टर के पास जाते जाते बुखार ठीक हो जाता है। जिनको धन की वृद्धि चाहिए होती है तो सहदेवी की जड़ को अभिमंत्रित करके एक लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या व्यापार के गले में रखने से धीरे धीरे धन की वृद्धि होने के मार्ग खुल जाते हैं। किसी व्यक्ति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है तो सहदेवी की जड़ को पुष्य नक्षत्र में अभिमंत्रित करके अपने पास रखने से कार्य में मन लगने लगता है। पीले फूल वाली से जल्दी कामना सिद्ध होती है। सामाजिक सम्मान चाहने वाले लोगों को चाहिए कि सहदेवी के पंचांग को पीसकर, मित्रों ये पंचांग है, पूरा पेड़ को पंचांग बोलते हैं, तो इसके पूरे पंचांग का पीसकर माथे पर तिलक लगाने से और गणेश स्तोत्र का पाठ करने से समाज में सम्मान बढ़ जाता है। वास्तु दोष निवारण हेतु यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है जिसके कारण आपके परिवार की प्रगति नहीं हो पा रही है तो पूर्व या उत्तर दिशा में एक सहदेवी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित धूप दीप देकर पूजा करने से घर के वास्तु दोषों का समन होता है। मित्रों बरसात का मौसम है, कहीं से भी एक पेड़ लेकर गमले में लगा सकते। प्रसव वेदना में यदि कोई स्त्री प्रसव वेदना से व्याकुल है तो सहदेवी की जड़ को लाल धागे की सहायता से उसकी कमर में बांधने से स्त्री शीघ्र ही पीड़ा से मुक्त हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। मित्रों जिनके संतान की इच्छा है सहदेवी का समूचा पौधा सुखाकर फिर उसका पाउडर बनाकर इस चूर्ण की 5 ग्राम की मात्रा को गाय के घी में मिलाकर मासिक धर्म के 5वें दिन से 5 दिन पूर्व, मासिक धर्म के 5 दिन पूर्व से और 5 दिन बाद तक स्त्री को नियमित रूप से सेवन करने से महिला को संतान की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों सहदेवी का स्वरस, इसके पत्तों का स्वरस और अपामार्ग के स्वरस को लोहे के बर्तन में रखकर अच्छी तरह घोटकर फिर चंदन की तरह तिलक लगाकर शत्रु के सामने जाने पर शत्रु आपका मित्र बन जाता है। सहदेवी की जड़ को धोकर और मोटा मोटा कूटकर लगभग 1 किलो का गोल तकिया बनाकर रात में लगाकर सोने से अनिद्रा का रोग दूर हो जाता है। मित्रों पीले फूल वाली सहदेवी की जड़ को घर के दरवाजे पर लाल कपड़े में बांधकर लटकाने से नकारात्मक शक्ति नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर मित्रों किसी को कंठमाला है तो कंठमाला में
जो बच्चे कंठमाला के रोगी हैं, वे सहदेवी की जड़ को अभिमंत्रित करके गले में धारण करने से रोग जल्दी ठीक हो जाता है। जिनके घर में अन्न की कमी रहती है तो रसोई घर में अनाज के भंडारण और गोदाम में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती है। घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कोर्ट कचहरी में जाने के समय सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधकर या जेब में रखकर जाने से निश्चय ही विजय होती है। सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जीप पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि होती है। हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। नेताओं को इसका प्रयोग करना चाहिए। सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु की भी मित्र बन जाते हैं। सहदेवी की जड़ को दाहिने बाहों में बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मित्रों, जो मैंने अभिमंत्रित करने की बात कही है वे किसी वेद पाठी ब्राह्मण से सिद्ध करवाएं। ये समस्त जानकारी मैंने तंत्र शास्त्र के अनुसार दी है। तो अब देख लें एक बार फिर दोबारा इसके पेड़ को। मित्रों, इसके ये जो हैं इस तरह से नीले फूल हैं और मैंने आज इसके तांत्रिक प्रयोग बताए हैं। फिर कभी और भी प्रयोग बताऊंगा। इसी के साथ नमस्कार। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।